हेलो हेलो जैन कन्फेक्शनरी रॉन्ग नंबर मेरा दोस्त मनमोहन जिंदगी को बेपरवाही से जीता था पर क्या खबर थी कि वो जिंदगी उसके साथ एक ऐसा मजाक करेगी जहां मोहब्बत उसे छू कर निकल जाएगी और वो उन लम्हों को ठीक तरह जी भी नहीं पाएगा। हेलो हेलो गणेश बुक स्टोर जी बोलिए किससे बात करनी है आपको? जी आपसे। मुझसे? जी हाँ आपसे। क्यों आपको कोई एतराज है? जी नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? जी मनमोहन। मनमोहन जी बोलिए आपको कुछ बात करनी थी ना मुझसे? जी जी हाँ। तो कीजिए। समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं। अच्छा हाँ एक काम कीजिए अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में क्या जानेंगे आप? नाम मैं अपना आपको बता ही चुका हूँ। बड़े दिनों से मेरे दोस्त का ये बुक स्टोर मेरा ठिकाना है। घर से मुझे निकाल दिया गया है और अब यही सोता हूँ। घर से क्यों निकाल दिया आपको? इससे पहले हम कोई आगे बात करें मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। घर से मुझे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था। अब इस बुक स्टोर पे आकर ठहर गया हूँ और अब ऐश ही कर रहा हूँ। ऐश? वो कैसे? एक किताब मिल गई है, आखिरी पन्ना गायब है इसका, मगर इसे 20 बार पढ़ चुका हूँ। अब कभी पूरी किताब हासिल होगी तो पता चलेगा हीरो हीरोइन की कहानी का क्या अंजाम हुआ। जी आप बड़े ही दिलचस्प आदमी हैं। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। अच्छा आप करते क्या है वैसे? मतलब? अरे मेरा मतलब है खुद को व्यस्त रखने के लिए क्या काम करते हैं आप? जी एक बेकार आदमी क्या कर सकता है, आवारा गर्दी। पूरा दिन आवारा गर्दी करता हूँ और रात को आकर सो जाता हूँ। और ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? जी सवाल ये है मैंने आज तक इस बात पे गौर नहीं किया। अब आप पूछ रही हैं कि मुझे ये जिंदगी अच्छी लगती है या नहीं, तो पूछ रहा हूँ खुद से। तो कोई जवाब मिला? जी नहीं। मेरा ख्याल है मुझे ये जिंदगी अच्छी लगती ही होगी एक अरसे से जो ये जिंदगी जी रहा हूँ। आपकी हंसी बड़ी सुरीली है। जी शुक्रिया। हेलो भैया, भैया जी आपके पास गुलजार साहब के नज़्मों की किताब होगी? गुलजार साहब की नज़्मों की किताब? जी नहीं। वैसे एक बारी चेक कर लीजिए। देखिए मैडम ऐसी किताबें कोई मंगवाता नहीं इसलिए हम रखते ही नहीं। तो आप मेरे लिए मंगवा देंगे प्लीज भैया? हेलो अमन मोहन जी। जी आप कल आइएगा। ठीक है तो मैं कल आती हूँ। हाँ तो तू यहाँ जा मेरी दुकान पर। वैसे भी 2-3 दिन को मैं बाहर जा रहा हूँ तो तू मेरी दुकान संभाल लियो और जब मैं लौटूंगा तो तेरी नौकरी का ही कुछ देख लेंगे। हाँ ठीक है। ठीक ठीक भाई मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया। फिर शुरू हो गया
भाई तू सुन तो मेरी बात, तुझे पता है घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, अब घर वाले कह रहे हैं बाहर जा नौकरी कर। अब तू बता मुझे कौन देगा नौकरी? कोई नहीं। मैं भी क्या मैं ये सोचता हूँ अगर मुझे औरत की मोहब्बत मिल गई ना सारी जिंदगी बदल जाएगी, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मैं तुझे बता रहा हूँ जिंदगी बदल जाएगी अगर मुझे औरत की मोहब्बत मिल गई ना। काम तो तू फिर भी नहीं करेगा? अबे काम काम कर, काम करने वालों के लिए मिसाल बन जाऊंगा। मिसाल तो कर ले किसी से इश्क, कर ले मोहब्बत। अबे मैं ऐसी मोहब्बत का कायल कहाँ जो मर्द से शुरू हो, औरत से शुरू होने वाली मोहब्बत की बात ही कुछ और होती है। मैं तुझे सच बता रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस एक औरत की मोहब्बत मिल जाए। हेलो गणेश बुक स्टोर। आदाब अर्ज मनमोहन साहब। आदावर्ज ओ आप, आदावर्ज आदावर्ज। लगता है आप सो रहे थे। जी हाँ, यहाँ आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ गई है। वैसे कल आपने अचानक फोन क्यों रख दिया था? आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की? लो जी ये भी बहुत अजीब बात कही है आपने, किसी खूबसूरत चीज की तारीफ नहीं करनी चाहिए क्या? जी नहीं, आप ये शर्त मुझ पर नहीं लागू कर सकते क्योंकि मैंने आज तक अपने ऊपर कोई शर्त लागू ही नहीं होने दी। आप हंसेंगी तो तारीफ तो मैं जरूर करूंगा। मैं फिर से फोन रख दूंगी। बेशक रख दीजिएगा। क्यों, आपको मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले खुद को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैंने आपकी हंसी की तारीफ नहीं की तो लोग मेरी पसंद पर उंगलियां उठाने लगेंगे और ये पसंद मुझे बहुत अजीज है। आपकी पसंद आपको बहुत अजीज है तो और क्या क्या पसंद है आपको? क्या मतलब? मतलब कोई और शौक है आपके? काम तो कोई नहीं आता मगर हाँ फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत शौक है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शौक है। जी। तो फिर कैमरा तो बहुत अच्छा होगा आपके पास? मेरे पास खुद का तो कोई कैमरा नहीं है मगर हाँ दोस्त के कैमरे से अपना शौक पूरा कर लेता हूँ। सोच रहा हूँ अगर कभी कुछ कमाऊंगा तो एक नया कैमरा लूंगा। कौन सा कैमरा? एक रिफ्लेक्स कैमरा है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने मेरा नाम पूछा ना नंबर। मुझे उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। नाम आपका कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, नंबर आपके पास मेरा है ही। और अगर आप चाहती हैं मैं आपको फोन करूं तो अपना नंबर मुझे दे दीजिए। मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। आप बड़े ही अजीब आदमी हैं। जी कुछ ऐसा ही आदमी हूं मैं। आप फिर कुछ सोचने लगी? जी हाँ मगर कोई और बात इस वक्त सूझ नहीं रही। तो रख दीजिए फोन। आप बहुत तीखे आदमी हैं। तो रख दीजिए फोन। लीजिए रख देती हूँ। भैया किताब बोली थी आ गई वो? कौन सी किताब? गुलजार साहब की नज़मों की।
और आप तो कल ही आई थी ना, एक दिन में कैसे आ गई? अच्छा, आपने ही कहा था कि कल आ जाना। देखिए, मैंने जल्दी में बोल दिया होगा, आप एक दो दिन में आइए। ठीक है, फिर मैं आती हूँ एक दो दिन में। भैया, वो जो किताब बोली थी आ गई वो? गुलजार साहब की नज़मों की? जी नहीं। कब तक आएगी भैया? देखिए मैडम, जब किताब आएगी मैं आपको बता दूंगा। एक काम करिए, आप मुझे अपना नंबर दीजिए। ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं फोन पे ही पूछ लूंगी। जी, ये भी ठीक है। मैम, मैं यही सोचता था कि ये अनजान कदम रोज मेरी दुकान पर क्यों चले आते हैं। हेलो, मिस्टर मनमोहन। जी मनमोहन, कहिए। जी, कहना तो ये था कि अब मेरी नाराजगी दूर हो गई है। चलो, ये अच्छा हुआ, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। नाश्ता करते हुए ये एहसास हुआ कि आपसे बिगाड़नी नहीं चाहिए। वैसे आपने नाश्ता किया? जी नहीं, बस जा ही रहा था कि आपने फोन किया। ओ अच्छा, तो आप जाइए। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मुझे नहीं लगता आज नाश्ता हो पाएगा, मेरे पास पैसे जो नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको दुख नहीं होता? अगर कोई मेरा दुख है तो मैं उसका आदी हो चुका हूँ। तो मैं आपके लिए कुछ रुपए भिजवा दूँ? भिजवा दीजिए, अब आप भी मेरे कर्जदारों में से एक हो जाएंगे। जी मैं नहीं भिजवाऊंगी। जैसा आपको ठीक लगे। जी चलिए, फिर मैं रखती हूँ। हेलो मिस्टर मनमोहन। जी मनमोहन, कहिए। कहना तो ये था कि आपको सुबह से इतनी बार रिंग किया, आप कहाँ गायब थे? साहब बेकार हूँ, मगर काम पर जाता हूँ। कौन से काम पर? नौकरी तलाशने के। अब जब इस दफ्तर की बादशाहत खत्म हो जाएगी तो गुजारा चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप कब वापस आए? 10 बजे। और अब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं। बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मैं बहुत ही बदसूरत हूँ। अगर ऐसा है तो आप फोन रख दीजिए। अच्छा, मुझे बदसूरती से सख्त नफरत है। अच्छा, फिर चलिए, मैं खूबसूरत हूँ, मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। आप फिर कुछ सोचने लगी। अरे आप सोच लीजिए पहले। आपको एक गजल सुनाऊं? जरूर सुनाइए। प्यार कभी एक तरफा होता है ना होगा, दो रूहों के मिलन की जुड़वा पैदाइश है। प्यार अकेला जी नहीं सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो मरते हैं। प्यार तो एक बहता दरिया है, कोई झील नहीं कि जिसको किनारे बांध के बैठे रह जाए। सागर भी नहीं जिसका किनारा नहीं होता, बस दरिया है और बह जाता है। वाह बहुत खूब। जी शुक्रिया। प्यार कभी एक तरफा होता है ना होगा, दो रूहों के मिलन की जुड़वा पैदाइश है।
प्यार अकेला जी नहीं सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो मरते हैं। प्यार तो एक बहता दरिया है, कोई झील नहीं कि जिसको किनारे बांध के बैठे रह जाए, सागर भी नहीं जिसका किनारा नहीं होता, बस दरिया है और बह जाता है। हेलो, कौन है? मैं बोल रही हूँ। इतनी देर से कहाँ थी तुम? क्यों? मैं जब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ना खाना खाया ना, हालांकि मेरे पास पैसे थे, मगर जब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ थी तुम? देखिए, मेरा जब मन होगा तब फोन करूँगी। देखो, ये सिलसिला बंद करो, या तो फोन मत किया करो या एक वक्त बता दो जब तुम्हें फोन करना है। आज के लिए माफी चाहती हूँ, कल से बकायदा रोज सुबह शाम फोन आया करेगा। हाँ, ये ठीक है। वैसे मालूम नहीं था आप इस कदर नाराज हो जाएंगे। अब क्या करूँ, मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता, और जब मुझे इंतजार करना पड़ता है तो मैं खुद को सजा देने लगता हूँ। अब सुबह से तुम्हारा फोन नहीं आया तो तुम्हारे इंतजार में घुटता रहा, ना खाना खाया ना बाहर गया। काश मुझसे ये गलती ना हुई होती। वैसे मैंने जानबूझकर ही फोन नहीं किया, मैं मालूम करना चाहती थी आप मेरा इंतजार करेंगे या नहीं। आप भी अच्छा सुनो। हाँ। मैं कह रहा था कि मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, तो आप फोन रखिए। अच्छा, वैसे कब तक लौटेंगे? आधे घंटे में। जी जी। तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज है, जो कि बहुत मधुर है। इसमें क्या कोई शक है? हेलो। हेलो। हाँ मनमोहन। हाँ मैं ये बता रहा था कि कर्जे का जुगाड़ हो गया है, दो तीन दिन में वापस आता हूँ।
हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, रखता हूँ। ठीक है। हेलो मनमोहन जी, किससे बात कर रहे थे आप? मेरे दफ्तर के बादशाहत अब चंद दिनों के मेहमान हैं। अमित का फोन आया था, वो कह रहा था कि कर्जे का इंतजाम हो गया है तो अब वो वापस आ रहा है। अच्छा, तो आपके किसी दोस्त के घर पे फोन नहीं है? कई दोस्तों के घर पे फोन है, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज कोई और सुने। और वजह? बस यूं ही, अब क्या किया जाए। अच्छा, आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होगी तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगी। ये ठीक है, वैसे तुम मुझे अपना एड्रेस दे देना, अब तुम्हें देखना चाहता हूँ। मनमोहन जी, आप मुझे जब चाहे देख सकते हैं, आप चाहो तो आज ही देख। नहीं नहीं नहीं, मैं जब तुमसे मिलने आऊंगा तो अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा। आज ही मेरा दोस्त कह रहा था वो मुझे एक सूट सिलवा देगा। बिल्कुल बच्चे हो तुम। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लिया है। तोहफा? तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर कैसा तोहफा हो सकता है? एक रिफ्लेक्स कैमरा है। वाह, बहुत खूब। लेकिन पहले मेरी एक फोटो खींचनी होगी। इस शर्त का फैसला तो मुलाकात होने पर ही होगा। अच्छा वैसे अब मैं एक दो दिन में तुम्हें फोन नहीं कर पाऊंगी। क्यों? रिश्तेदारों के साथ बाहर जा रही हूँ, सिर्फ दो दिन की बात है, मुझे माफ कर देना। ठीक है। गरीबों की बीमारी उन्हीं की तरह गुमनाम होती है जो इंसान को अपने साथ लेके ही जाती है। मनमोहन से मिलने का उसका यह इंतजार इंतहा की हद तक खिंचने वाला था। बादशाह खत्म। कहाँ थे तुम मनमोहन? मेरा नंबर नोट कर लो, 9314531426। सुबह फोन करना, मैं इंतजार करूंगी।
तुम्हारी आवाज से तुम्हारी शक्ल बनाने की कोशिश करता हूं। अलग अलग चेहरे मेरे जहन में आते हैं। इस ख्याली दुनिया में तेरा चेहरा मैं जैसे चाहे बना सकता हूँ। अगर कभी कैनवस पे तेरी नाक ज़्यादा मोटी हो जाती है तो उसे ब्रश से थोड़ी पतली कर देता हूँ। सोचते सोचते अगर तेरी जुल्फे मेरे ख्यालों के बीच आ जाती हैं तो उन्हें तेरे बाएं कंधे पर समेट देता हूँ। तेरा चेहरा कभी उस लड़की जैसा बन जाता है जिसे मैंने कल घर लौटते हुए देखा था, कभी उन मोहतरमा जैसा जिनसे सुबह ही दफ्तर में डांट खाई थी। और जब ऐसा होता है मैं अपने ख्यालों को इस कदर झाड़ता हूँ जैसे कोई धूल भरी चादर हो। ऐसा क्यों करता हूँ? शायद तुम्हारी आवाज़ में वो नवीनता सुनाई देती है जिसे मैं देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। उन चेहरों में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता जिनका मुझ पर कर्ज है। कुछ नए कर्जदारों में तुम्हें देखना चाहता हूँ। कभी तुम्हारी तस्वीर खूबसूरत बनती है तो कभी बदसूरत। बस खुशी इस बात की है कभी वही पुरानी नहीं बनती।